नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मनोज जरांगे का। जी हाँ, आज मनोज जरांगे जी को मैं इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि वो जो है उपोषण बैठे हैं। 10 तारीख से उपोषण बैठे हैं। आज 13 तारीख है। आज 4/4 दिन है उपोषण पे, लेकिन कहीं ना हेडलाइन दिख रहा है मेरे को, न कहीं टीवी पे कुछ दिख रहा है। और क्या होगा, मनोज जरांगे जी तो पिछले बार बोले थे कि हमको सब कुछ मिल गया, जो हमको चाहिए था सरकार ने हमको दे दिया, तो सही में मिल गया, पेड़ा भी बटा ना। तो फिर जब सब मिल गया तो अभी उपोषण क्यों बैठे हो, और बैठे हो तो कहाँ बैठे हो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अंतरवेली में बैठे हैं। क्या मीडिया ने बायकॉट कर दिया है या कुछ और किया है? आरक्षण का विषय ही समाप्त हो गया। क्या सबको ऐसा लग रहा है कि आरक्षण का विषय इतना जल्दी स्टार्ट आउट नहीं होने वाला है, तो लोग परेशान होकर घर बैठ गए, ऐसा लग रहा है क्या? सॉरी अगर मैं किसी को तकलीफ अगर लगता होगा हमारी बातों से तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरह से मनोज जरांगे का मामला चल रहा था, अचानक से जो है इस तीसरी राउंड में जो है फीका फीका लग रहा है। इसके लिए मैं याद दिला रहा हूँ कि मराठा आरक्षण के लिए कोई लड़ाई कर रहा है तो पूरी तरह साथ दो उसका। सर आप क्या मानते हैं? सर आप सर देखो कैसे आदमी के दिन घूम जाते हैं जी। जो मनोज जरांगे को मनाने के लिए मुख्यमंत्री गए थे, 4 मंत्री उसके दोनों साइड में सोए थे। वो जज और ये तीन जज का बेंच वो उनको ऐसे 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 कर रहे थे। बाद में एक पैर के यहाँ पैर दबाने का ही बाकी था, बाकी पैर के यहाँ बैठ ही गया था। सर कल उसको सरकार की तरफ से एक कोई कागज देना था, वो देने के लिए कलेक्टर ने तो वहाँ के तलाठी को बोला। तलाठी को? हाँ, जिला परिषद। मतलब जो मुख्यमंत्री कागज लेके आने वाला दिन था उसी मनोज जरांगे को कर तलाठी, वहां का तलाशी जो था वो कागज लेके गया। वो बोला ये सरकार की ओर से कागज आया है आपके लिए। फिर भी बेचारे ने देख लिया। हाँ। क्या करेगा ना, मरता क्या ना करता। बेचारे ने वो भी देख लिया, बोला ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा था कि 15 तारीख से अधिवेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो आप अभी ये उपोषण स्थगित करिए, 15 तारीख को आपका जो अधिसूचना है उसका रूपांतर कायदे में हम कर रहे हैं जी, तब तक वेट करो। अगर शिंदे आते थे वो बोलता नहीं, ऐसा बोलता था नहीं। अभी तलाठी ने दिया तो तलाठी को क्या जवाब देगा? उसने पड़ा और बाजू में रख दिया। अभी ऐसा है, मैं पहले ही बोल रहा था तुम 10 तारीख को क्वेश्चन करोगे, 15 तारीख तक टिकना चाहिए तुमको, अधिवेशन है। अब लेटेस्ट बारी अभी ऐसे मैसेज आया कि 20 तारीख को है अधिवेशन, और 5 दिन दिया आगे बढ़ाया क्योंकि वो जो माघा स्वर्गीय का रिपोर्टर नहीं आया। तो माघा स्वर्गीय रिपोर्ट के बिना तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, तो 10 दिन और नवी मुंबई में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हम तो सब पा गए, जो चाहिए था हमको मिल गया। सर उनको वो क्या था फिर? सर जी आर क्या था वो? सर गवर्नमेंट ने उनको क्या बोलेंगे, धुतिया बनाया। कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बाहर आना। और हमने पहले बोला था कि पूरा स्क्रिप्टेड था, है ना? हमने ये भी बोला था कुछ मिला नहीं है उनको, अभी मिला नहीं है ऐसा वो बोलने को तैयार नहीं थे जी। मर मिला नहीं है ये उन्होंने बता दिया क्योंकि उपोषण पे बैठ गए, या तो उपोषण की जरूरत ही नहीं थी। पेड़ा वाटा ये किया। सर आज की स्थिति में क्या लगता है सरकार कितना गंभीर है? सरकार एकनाथ शिंदे गंभीर है, सरकार नहीं है गंभीर। हाँ, एकनाथ शिंदे अकेले ही गंभीर है, बाकी कोई उनका साथ देता है क्या? उल्टा विरोध ही करते हैं। भुजबल दिन रात क्या करता है? फडणवीस के कहने पर उनको तो टैल, कभी कभी तो ऐसा लगता है वो मनोज जरांगे को चैलेंज ही नहीं कर रहा है, वो सीधा शिंदे साहब को ही चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है। तो ये तो लड़ाई अभी मनोज जरांगे और इनकी रही नहीं, वो एकनाथ शिंदे वर्सेस हो गई है। भुजबल के पीछे है फडणवीस जी, और उनको मालूम है ये कोर्ट में एक मिनट नहीं टिकने वाला, भले कायदा कानून पास करेंगे ना विधानसभा में, वो तो चैलेंज होगा दूसरे दिन, कोर्ट टेम्पररी स्टे दे देगा। मगर ये उपोषण अभी उसने समझो छोड़ा कि भाई अभी 20 तारीख बहुत लंबी है। हाँ ना, तो 10 दिन क्या करेंगे? और उपोषण बिना पानी वाला है। हाँ ना, तो क्या करेंगे, चलो छोड़ देते हैं, 20 तारीख को पास हो जाएगा, फिर पेड़ा बांटेंगे, ये करेंगे, 21 तारीख को उसको स्टे आ जाएगा, फिर उपोषण को बैठना पड़ेगा। और कोर्ट के खिलाफ ऑपोषण करके क्या करेंगे? कोर्ट तो एक साल के बाद की तारीख देगा, बोलेगा उपोषण पे बैठा है कब बैठ, ऐसा बोलेगा। सरकार तो डरती है जनक्षोभ से, वो कोर्ट तो डरती नहीं है, उनका क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठा है, आप क्या कर सकते हैं सर। लेकिन अचानक इतना विषय गंभीर था और अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया, फिजल आउट हो गए वो। तो मराठा समाज को सर कैसे न्याय मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, वो उनको चाहिए कि वो मराठा को मराठा करके आरक्षण मांगे,
और वो मोदी शाह को उसका लिमिट बढ़ाना पड़ेगा तभी मिलेगा। और ओबीसी इनके अभी ज़्यादा लोग ये ले नहीं रहे, कागज़ भी मिल रहे नहीं है, और 50 लाख को मिलके क्या फ़ायदा है 6 करोड़ मराठाओं का, ओबीसी में जाके लेने के लिए मराठा भी तैयार नहीं है, वो भी कहाँ इतने, वो बोले उनको लगा था कि भीड़ लग जाएगी लोगों की, कोई कोई ऑफिस में कोई ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आ रहे लोग, खाली है पड़े सब ऑफिस, क्योंकि उनको मराठा है, वो उनको ओबीसी में जाना नहीं है ज़्यादा करके लोगों को, तो ठीक है मराठा करके आरक्षण मिला तो उनको आनंद होगा जो शिंदे सब देना चाहते हैं, पर वो भी मुश्किल में नहीं होगा सर। अभी मनोज जरांगे आमरण उपोषण पर बैठे पानी में, बहुत चिंता का विषय है, तो मुझे बहुत दर्द होता है कि जब उनके ही कार्यकर्ता है वही उनको पानी पिलाने नहीं देते, वही उनको दवा नहीं देते और उनके ऊपर दबाव लाते हैं कि मेडिसिन मत खाओ ये करो, मतलब ऐसा ही हो गया कि तुम मरो, उनका अगर कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, उनके वो कार्यकर्ता जो बाजू में बैठ के उनको मेडिसिन नहीं दे पा रहे, देना एक मजा कर रहे मना कर रहे हैं, ये पानी के लेने के लिए मना कर रहे हैं, वो जिम्मेदार रहेंगे कार्यकर्ता, मनोज रंगे नहीं रहेंगे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया वो कार्यकर्ताओं के दबाव में किया है सर, उनको अंदर से क्या होता होगा, आप सर हम सुबह बाहर निकलते हैं दोपहर तक खाना नहीं मिले तो हम क्या व्याकुल हो जाते हैं, ये तो 4 दिन हो गए अंदर से कितना ये, और पहले बीमार है बेचारा, मगर वो कार्यकर्ता है ना उनकी गलती है, वो उनको बोलते हैं उनको हाथ नहीं लगाने का, उनको डॉक्टर नहीं दिखाने का, उनको चेक नहीं करने का, और वो उनके दबाव में मनोज जरांगे अंदर से चाहते भी होंगे जी वे कम से कम 1-2 बूंद पानी तो पी लूँ, जिंदा तो रहूँ, ये ऐसा हो जाएगा नहीं तो गढ़ आला नहीं सिंह गया, मतलब आरक्षण मिलेगा मराठाओं को मराठा करके और ये नहीं रहेंगे, और दूसरे लोग बेगानी शादी में अब्दुल अजीम हो जाएंगे, तो मनोज जरांगे की ये गलत ये थी, उनको उपोषण नहीं करना चाहिए था, अभी छोड़ के फिर से करना है तो करो, छोड़ो ये उपोषण छोड़ के उनको सरकार के साथ मिलके जो है सब सॉर्ट आउट करना चाहिए, सब उपोषण करके ही सब होगा, कायदा करके ही सब होगा, तो 20 तारीख को कायदा कर रहे हैं, मगर उसको भी स्टे मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, सर सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनके अपने धनंजय चंद्रचूड़ के बाद अगर कोई जानता है तो मैं ही होता हूँ जो हमेशा बोलता है नहीं मिलेगा, वो गंभीर विषय है, हालांकि मनोज जरांगे जी को भी समझना चाहिए कि जो है सिर्फ विड्रॉ करके उनको वेट करना चाहिए, सरकार आपका साथ दे रही है, सरकार आपको पूरा आश्वासन दे रही है, एकनाथ साथ दे रही है, सरकार मत बोल रही है सर, मुख्यमंत्री तो सरकार ही हो गए हैं सर, तो अगर साथ दे रहे हैं और बोले आश्वासन दे रहे हैं तो आपको फिर थोड़ा जिद छोड़ के जो है उनके साथ में जो है मिलकर जो है सब इसके सॉर्ट आउट और इसका हल निकालना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए कि मराठा आरक्षण के बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मनोज जरांगे जी की तबीयत अगर खराब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का।